फिरोजपुर की बस्ती भटिया में पत्नी के साथ झगड़कर पति की तरफ से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शहर के स्थानीय बस्ती भटिया में एक नौजवान की तरफ से अपनी पत्नी के साथ लड़कर पंखे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। मिली जानकारी मुताबिक अजय भट्टी 25 साल पुत्र पवन कुमार ने अपनी पत्नी के साथ झगड़कर घर के अंदर लगे पंखे के साथ फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की तरफ से दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही जारी है। धोखा दे के आप जहाज चढ़ के बाहर चली गई, गलत मुंडे नाल फोटोवां खिचा के इन भेजिया तड़के 3 बजे बर्दाश्त तो बाहर होके इनकी 1 साल की 1.5 साल की बच्ची है। आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बाप दा फोन आया तो कहिंदे जाके वेखो उपर तुहाडे बच्चे ने फाया लै लिया। असीं उदों गए सानूं पता नहीं गा, 3 बजे उहदे घर दे फोन आया ते उदों गया चला उपर। उस तो बाद जाके असीं वेख्या ते उत्थे मेरा बच्चा हैगा ही नहीं सी, मेरा बच्चा लुट्टिया पुट्टिया गया सी। उदों उहदे घर वाली धमकियां देंदी हुंदी सी, कहिंदा तू आ जा वापस, कहिंदी मैं नहीं आना, कहिंदी मेरे वल्लों मार पावें जो कुछ मर्जी। उहने वीडियो कॉल करके उहनूं बहा के फिर उहने फाया लिया है। माड़ा मोटा चलता ही झगड़ा, ओहदी मर्जी तो सिवा सिंगापुर चली गई। पूरा दस कहने बच्चा 1-2 साल का छोटा जिहड़ा कि रहिंदा नहीं, इन्हें कहा भी कहिंदे भी है बच्चा है, बच्चे नूं भी सांभ के जदों आपां दोवें चलां इकट्ठे, वो कहिंदे नहीं भी मैं जाना ही जाना। उन्हें हफ्ता को गया के 17-18-7 भी वह ठीक है पर चली गई। मुड़ के अभी दरखास्त भी दी है SSP साहब दे पेश होके तब पेश नहीं होके असी दरहात दित्तियां ही उत्थे, वो दरहात साडियां अजे पेंडिंग ने। उस तो बाद सानू पता लगा अज तड़के जदों इहदे सहुरे दा फोन आया मेरे ब्रदर नूं रमेश नूं वड्डे नूं, उहनूं दस्सिया भी अज कित्थे अज कित्थे। उहने पहलां वीडियो कॉल कीती, वीडियो कॉल करके उधर उहनूं दस्सिया, उहने आपदे डैडी नूं फोन कीता भी इदां इदां करके आ गल। 3 बजे कॉल आई, पता नहीं इन्हें कुड़ी ने की किया, इनके दम दिमाग देंदे बोझ पै गया। उन्हें जिहड़ा कि आपदा है सुसाइड कर पक्खे नाल लमके आपदी ठीक जान गवा। इंस्टा न्यूज़ के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।